हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फूड लवर्स यार। सो आज से मैं यार एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, डेली ब्लॉगिंग करूँगा आप लोग के लिए। यहाँ पे आपको फूड ब्लॉग्स तो मिलते ही हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि डेली ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करता हूँ। सो यार आप लोग सपोर्ट करना, मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है मेरी डेली ब्लॉगिंग। फिलहाल मैं यार पहले मैं दिल्ली में स्टे करता था, बट फिलहाल मैं गाजियाबाद शिफ्ट हुआ हूँ 2 महीने पहले ही। फिर मैं आपको अपनी सोसाइटी है उसका भी टूर करवाऊँगा और होम टूर भी दूंगा, जो आपका होम टूर है वो भी दूंगा, और जो भी मेरी एक्टिविटीज़ है डेली एक्टिविटीज़ वो आपको दिखाऊंगा। तो यार आज अभी देखे तो अभी मॉर्निंग 9:20 हो रहे हैं, जस्ट मैं सो के उठाऊँ तो सोचा मैंने आप ब्लॉग आज ये से स्टार्ट किया जाए। सो भी तो सो के उठाऊँ यार, उसके बाद देखते हैं, फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद दिन के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या होता है, क्या नई नई एक्टिविटी करते हैं। ठीक है गाइस, फ्रेश होके आपसे मिलता हूँ फटाफट। गाइस फ्रेश में हो चुका हूँ और देखते हैं यार, अब जाके देखते हैं किचन में मम्मी जी क्या बना रही हैं। बिकॉज यार दिन की शुरुआत अच्छे ब्रेकफास्ट से होनी चाहिए, अगर ब्रेकफास्ट आपको अच्छा हो तो फिर पूरा दिन फुल एनर्जी के साथ आप अपनी डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हो। तो यार मैं तो सबसे पहले उठते किचन में जाता हूँ और देखता हूँ कि मम्मी जी क्या बनाती हैं। आई होप आप लोग भी ऐसा करते होंगे। तो यार देखते हैं, फिलहाल मैं नहा के फ्रेश हो चुका हूँ और अब देखते हैं ना ब्रेकफास्ट के बाद शायद बाहर जाऊँ मैं, तो देखते हैं अगर बाहर जाऊँगा तो वहाँ पर मैं कुछ देखता हूँ कहाँ जाऊँगा, आप लोग को दिखाऊँगा कि किस साइड जा रहे हैं। तो फिलहाल तो चलते हैं मम्मी जी के पास और देखते हैं कि किचन में क्या बना रही हूँ। तो देखते हैं यार मम्मी जी क्या बना रही है, फिलहाल आपको मैं दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। देख सकते हो यार मम्मी की सब्जी बन रही है, मतलब प्याज और लहसुन यूज नहीं करते, मोजरेला यूज नहीं करते, और घर में भी जो है रखा हुआ है, तो इसलिए यार फिलहाल ये बहुत टेस्टी बनता है प्याज लहसुन का, काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनाती है। और ये दूध बॉयल और क्या शायद चाय बनेगा, जो कि मैं पीता नहीं हूँ, चाय मैं नहीं पीता पर घर वाले पीते हैं, मैं सिर्फ सब्जी इन्जॉय करूँगा। तो देखते हैं जब ब्रेकफास्ट मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल तो सब्जी बनने देते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं 12:50 हो रहे हैं अभी। तो यार ब्रेकफास्ट करके मैं कुछ अपना काम कर रहा था, तो काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और यार आज इंडिया का मैच भी है, इंडिया और बांग्लादेश का मैच है वर्ल्ड कप में। सो यार अभी तो 1 बज रहे हैं, तो 2 बजे से स्टार्ट होगा मैच, तो मैं तो फुल ऑन इंडिया का मैच जो भी होता है, जो भी वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं सारे मैचेस देखता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। तो देखते हैं, इंडिया टीम तो बहुत अच्छा कर रही है वर्ल्ड कप में, आपको सब ने देखा ही होगा। और आज भी मुझे लगता है कि बांग्लादेश को हम बहुत ईजिली उनको डिफीट देंगे और फिर से हम टॉप पे हो जाए, पॉइंट्स तो मैंने टॉप में आ जाएंगे। और आप लोग भी बताओ यार कि आप लोग को क्या लगता है टॉप 4 की टीम कौन सी होगी या कौन कौन सी होनी चाहिए आपके हिसाब से, और कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि टॉप 4 में कौन कौन सी टीम होगी, और क्या लगता है आपको कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो सकता है। फुल रहेंगे सब लोग, देखते हैं इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा या नहीं होगा। सो फिलहाल मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद 2 बजे से जैसे ही मैच स्टार्ट होगा फिर अब मैच मैं फॉलो करूँगा, फिर आप लोगों को दिखाऊँगा जो भी सीन्स होते हैं मैच के भी। और फिर शाम में मैं बाहर जाऊँगा तो फिर शाम को भी आपको बाहर का भी यहाँ से भी दिखाऊँगा कि यहाँ से बाहर का जो कितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैसे लगते हैं और वहाँ पर क्या क्या मिलता है वहाँ भी कवर करूँगा। सो फिलहाल मिलते हैं और कुछ देर में मैच स्टार्ट होगा तब आपसे फिर मिलता हूँ दोबारा। तो गाइस 5 बज चुके हैं और अभी मुझे थोड़ा नीचे जाना है और कॉम्प्लेक्स में जाना है, थोड़ा घर का सामान लाना है, फ्रूट्स लाने हैं, और फ्रूट्स लाने के साथ साथ मुझे एक एक्चुअली एक और काम है, इसलिए मैं थोड़ा पहले ही निकल रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे हम लोग न्यू शिफ्ट हुए हैं गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक में, यहाँ पर नवरात्रि मेला कहाँ लगता है हमें वो भी देखना है, उस जगह को देखना है, ग्राउंड जहाँ पर नवरात्रि मेला लगता है
तो यार आप लोग को तो बताइए, नवरात्रि आ रहा है तो फिर मतलब नवरात्रि चल रहा है तो फिर हमें मतलब मेला तो जाना ही है फैमिली के साथ, तो देखते हैं कहाँ पे है नवरात्रि मेला, कहाँ लगता है, कौन से प्लेसेस हैं और कैसा मेला है, आप लोगों को प्लेसेस दिखाते हैं, तो मिलता हूँ मैं नीचे आप लोगों से। क्या लिया? अमरूद 40 रुपये। 40 रुपये? और क्या लेना है? सेब लेना, सेब पूछा हूँ मैं सब ने। सर ये एक नॉर्मल फ्रूट शॉप है, घर के पास ही है, सो यहीं पे भी आए हम लोग थोड़ा फ्रूट लेने। पापा ने अमरूद दिया है और सेब ले रहे हैं, सेब थोड़ा बहुत। तो गाइस हम एक दशहरा मेला तो आए हैं, यहाँ पे वो पंसिल के पास ही लगा हुआ है, तो अभी मैंने एक गेस्ट फोन आप देख सकते हो साइड में लगाई है, और देखते हैं मेला भी जाके अंदर देखता हूँ कैसा लगा हुआ है, और आप लोगों को बताता हूँ कि आना वर्थ है या नहीं। ये पंसिल वेलिंगटन के पास जो मेला लगा हुआ है दशहरा मेला, उसके अंदर तो बने रहो वीडियो। तो गाइस आपने देखा, हम अभी आपने जो भी क्लिप्स देखे वो मेले की देखे, और मैं अपने पापा के साथ आया हुआ था आप लोग को दिखाने के लिए कि ये क्रॉसिंग में अगर आप रहते हो तो आपको कौन से प्लेस है। ये आपका पैरामाउंट के जस्ट सामने ही लगा हुआ है दशहरा मेला, और यहाँ से हमने पता किया है आपका 8 बजे रामलीला स्टार्ट होता है, 8 से 12 बजे तक चलता है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, मतलब क्राउडेड प्लेस में इतना ज़्यादा आप फैमिली के साथ आना सेफ भी नहीं होता, बट यहाँ सबसे अच्छी बात लगी कि क्राउड बहुत कम है, बहुत कम क्राउड है, और काफ़ी अच्छे से आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, झूले हैं, खाने पीने की एक्टिविटीज़ हैं जो आप आराम से इंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। क्यों बाबा, आपको भी लगा कि क्राउड कम था? क्राउड कम था क्योंकि दिल्ली में क्राउड एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है, और ये क्रॉसिंग में बस पैरामाउंट के सामने ही है तो आप आराम से आके इंजॉय कर सकते हो। तो गाइस अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और जस्ट मैं घर पहुंचा हूँ,
व्यसनक हुआ हूँ और सोचा कि आपसे बात करूँ यार। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैंने आपको मॉर्निंग से इवनिंग तक दिखाया कि मेरा शेड्यूल क्या है, मैं क्या आज क्या क्या मैंने एक्टिविटी की, और अभी आने वाले डेज में फेस्टिवल टाइम भी है तो काफ़ी सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो आपको करना क्या है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मैं डालूंगा डेली ब्लॉग, और आपको मिलते ही मिलेंगे ही मिलेंगे मतलब आज से, और आप प्लस फूड ब्लॉग्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, और फूड चैलेंजेस मैं वो करूँगा वो आपको मिलेंगे। सो आपका सपोर्ट चाहिए यार, वीडियो को लाइक करना जितना हो सके उतना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को यार, और कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ भी मुझे सजेशन देना हो तो यार कमेंट करके बताना। और आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, बिकॉज मैं 17th फ्लोर पे रहता हूँ तो यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है। मैंने आपको बोला है कि मैं बहुत जल्दी होम टूर भी दूँगा आपको, तो उसमें मैं अपना रूम टूर, अपने जो मेरा जो मेरे फेवरेट प्लेसेस हैं मेरे होम में, वो सबको दिखाऊँगा बताऊँगा। बस आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सपोर्ट करो, आपने पहले भी किया है और इस बार भी थोड़ा सा और अच्छे से सपोर्ट करो, बिकॉज ताकि मैं और मोटिवेट होकर डेली ब्लॉग बनाऊँ आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आऊँ, ठीक है। और आज के लिए आज का ब्लॉग ये पेंट करते हैं आज के लिए, और से कल मिलूंगा नए ब्लॉग के साथ, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्ट।